أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكم. وأولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين میری آج سجار آيه نمبر 104 سورة आउदबी नशील रिम और चाहिए के हो ये जो ता है ना ये आगे उम्मन नार ये है उसकी ये तास की है ठीक है और चाहिए के हो काफ नून इसका रूट लेटर है मिन कुम तुम में से उम्मत एक उम्मत हमज़ा मीम मीम इसका रूट लेटर है एक ग्रोह तुम में से हो जो क्या करने वाला हो यदूना वो बुलाने वाला हो दाल आइन वाओ इसका रूट लेटर है पुकारने वाला हो बुलाने वाला हो कहाँ इलल खैरी तरफ भलाई के खैर ख़ा और ये खैर मुख्तलफ़ मानों में इस्तेमाल हुआ है क़ुरान पाक में तो खैर भलाई कामों। यहां के कामों यहाँ पर किसके लिए भलाई के कामों की तरफ बुलाने वाला हो वो या मरूना और वो अमर करें वो हुक्म दें हमज़ा मीम रॉ इसका रूट लेटर है वो हुक्म दें किस चीज़ का बिलमूफ़ भलाई का वो मरूफ़ चीज़ों का मरूफ़ आइन रफा से है और कहते हैं पहचान को तो मरूफ वो जो जानी पहचानी नेकियाँ होती हैं जानी पहचानी भलाई के काम होते हैं अच्छे काम होते हैं वो उसकी तरफ़ हुक, उसका हुक्म देने वाले हों वो यन हाउ ना और वो रोकने वाले हो नून हा या इसका रूट लेटर है और वो रोकने वाले हो किस से अनिल मुनकरी मुनकर से मुनकर नून का अफ्रा से है यानी मुनकर वो चीज़ जिसकी अकल शरीयत सोसाइटी जिसका इनकार करे जिसको को नापसंद करे और अब ऐसा नहीं कह सकते कि सोसाइटी मुनकर को मुनकर कहती है लेकिन शरीयत मुनकर को मुनकर ही कहती है यानी झूठ बोलना चीट करना आ, किसी दूसरे को तकलीफ़ देना आ, ये सारी बातें जो होती हैं ये मुनकर होती हैं और ये सब पहचानते हैं हुँ? तो आ, इसको आ, इससे रोकने वाले हैं वो वा हुमुल मुफ्लिहून, ये फ़लाह पाने वाले होंगे मुफली जमा है की जमा है मुफले ठीक है ना तो अल्लाह सुबहान तौ यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे कुरान को मजबूती से थाम लोगे अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करोगे एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तफरकाबाजी नहीं करोगे फिर एक ग्रोह तो तुम में से होना ही चाहिए जो अपने आप को इन्वेस्ट करे इस काम के लिए कि वो दीन का प्रचार करे ऐसा नहीं हो सकता कि सब के सब बेफिक्र हो जाए हाँ कुछ डॉक्टर बने कुछ इंजीनियर बने यानी हर शोबे को कोई ना कोई एक्सपर्ट्स तो चाहिए होते हैं ना कोई ना कोई ऐसे लोग तो होते हैं जो अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी को इन्वेस्ट करते हैं जो सर्जनज होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो पूरी ज़िंदियाँ लगा देते हैं रिसर्च वर्क में इंसानों की भलाई में और ऐसे लोग होने चाहिए लेकिन ये नहीं कि दीन की बात करने वाला कोई हो ही ना या दीन में कोई अपने आप को इन्वेस्ट ही ना करे और दीन के बारे में कोई सीरियस सोच ही ना हो नहीं कोई ना कोई एक ग्रोह तो होना चाहिए जो क्या करे जो खैर की तरफ लोगों को बुलाए क्योंकि अक्सर व जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है ना डे टू डे बेसिस के ऊपर तो दिल सख्त हो जाते हैं भलाई से इंसान दूर हो जाता है या भलाई की पहचान भी नहीं रहती सच्ची बात है भलाई की पहचान ही नहीं रहती इंसान बस अपने ही वो कोलू के बैल की तरह आपको कोलू का बैल पता है कौन होता है Uh, क्योंकि आजकल लोगों को नहीं ना इस चीज़ का पता क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि हर काम जो है वो मशीन से हो रहा है तो कोलू का बैल वो होता था जो आ, पानी कुएं से निकालता था यानी कुएं के अंदर डब्बे लगे होते थे पानी के और कोलू का बैल जो था वो बैल वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते दे थे ताकि उसको ये पता ही ना चले कि वो एक चक्कर में घूम है और वो समझता है कि मैं बहुत दूर चल के पहुँच गया हूँ हालाँकि वो उसी जगह पर खड़ा खड़ा बस चक्कर लगा रहा है और पानी निकाल रहा है तो हमारा भी ये हाल हो गया है कि हम अपनी कमाइयों और अपनी ज़िंदगी और अपनी जतीी ज़ाती छोटी छोटी पैटी इश्यूज में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि सोसाइटी ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी और हमको कहा है बस कमाओ और अपने मॉर्गज़स के घर की मॉर्गेज अदा करो और बस आंख पे पट्टी बांध के समझो कि तुम बहुत दूर चले गए हो हालांकि तुम उसी जगह पर खड़े हो तुम कहीं नहीं गए तुमने कोई मूवमेंट नहीं की कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया तुम उधर के उधर ही खड़े हुए हो तो अगर एक ग्रो हो जो ख़ैर की बातें बताए जो लोगों के दिलों को जगाए जो उनको होश दिलाए अल्लाह के कुरान की आयात सुनाए वो तो होना ही चाहिए ताकि लोगों को होश आ जाए जो लोगों को बुलाते हों खैर की तरफ वरून अब बिल्माफ और वो हुक्म देते हो उनको मरूफ का यानी एक कमांडिंग किस्म की आ, स्पीच होनी चाहिए जब आप नेकी का हुक्म कर रहे हैं कि ये तो भली बात है ये तो करो ना सच तो बोलो यानी ये वो वक्त है जहाँ जहाँ पर झूठे सबसे बड़े लीडरशिप रोल्स में मौजूद है सबसे बड़े लीडरशिप रोल्स में सबसे बड़े झूठे अस्त फिर अस्त फिर आदीम और ये क़्यामत की निशानियों में से है कि जो जितना बड़ा झूठा होता है वो उतना ही बड़ा कामयाब इंसान होता है दुनिया में लेकिन अल्लाह के तला के स्टैंडर्ड इनसे बिल्कुल फ़र्क है जो झूठा होगा वह सबसे ज़्यादा गुनागार और सबसे ज़्यादा मबगोज होगा अल्लाह सुबहान तज़र में तो लोगों को मारूफ की बात बताना भलाई की बात बताना कि आप तो सच बोलो आप तो चीट ना करो आप तो लोगों को ताने ना दो आप तो लोगों से तफरकाबाजी ना करो आप लोगों को भलाई की बात करो आप मोहब्बत करो तो मारूफ की बातों तो का हुक्म देने वाले वो इन्हा अनिल मुनकर और अब जब देखें कि कोई बुरी बात कर रहा है कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको रोके ही रोके ये नहीं हो सकता कि आप बुराई को देखते रहें और आप उसको ना रोकें तो आप देखें कि क्या हाल हो रहा है मुसलमानों का यानी हर रोज़ ग़ज़ा में वो मुसलमानों के मुंह पे चांटे मारते हैं उनको उनके अपने घरों में से निकाल कर बाहर खड़ा करके उनके घरों पे कब्ज़ा करते हैं और उनसे ये कह रहे होते हैं कि अगर मैं ना कब्ज़ा करता तो कोई और यहूदी कर लेता तो तुम तो निकलो इधर से और ये तुम्हारा घर नहीं है अब ये मेरा घर है यानी सारी ज़िंदगी लगा के किसी मुसलमान ने अपना घर बनाया और उसमें से उसको निकाल कर जुल्म के ज़रिए से उसको बाहर करना और फिर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करना उनके दरख्तों पर कब्ज़े करना उधर अपनी से, सेटलमेंट्स बनाना ये क्यों हुआ क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वो करते रहे और देखते रहे कि कोई मुसलमान नहीं बोलता कोई मुसलमान कुछ नहीं करता कोई मुसलमान मुल्क खड़ा हो के इनकी हर, इनकी सफ़ों में कोई जो है ना इतिहाद नहीं तो उन्होंने एक बड़ा जो है ना एक उम्मत मुसलिम को धचका पहुँचाया कि क्योंकि अब वो ज़ोर आवर हो गए किस वजह से ज़ोर आवर हुए क्योंकि किसी ने बुराई से रोका नहीं रसूल अल्लाह सल्ला वसम की हदीस से हमको पता चलता है कि जब तुम किसी बुराई को देखो तो हाथ से रोको हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको और ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में तो बुरा जानो और ये ईमान का सब कम तरीन दर्जा है और मेरे ख़्याल में इस वक्त हमारे हम इसी दर्जे पर हैं क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हैं और क्रिकेट पूरे पूरे दिन देखी जाती है लेकिन कोई एक बात भी मुसलमानों के हक में नहीं कही जाती और मुसलमानों के तकलीफ़ को महसूस नहीं किया जाता कि रसूल अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होते हैं अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बुखार को महसूस करके तड़पता है और जागता है लेकिन हम में से कौन जाग रहे हैं कौन ये काम कर रहा है तो जब तक हमने मुनकर को रोका ना तो मुनकर बड़े से बड़ा होता जाएगा और कोई इसको रोकने वाला ना होगा बल्कि आजकल तो लोग मुनकर का साथ देते हैं और उसको और ताक़त बख्शते हैं तो अल्लाह सुबहान तला करे कि हम मुसलमानों में ऐसी जमातें मौजूद रहें जिसका हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं कि वो जमात जो खैर की तरफ बुलाने वाली हो जो उमर का हुक्म हुक्म दे, हुकम दे। अल्लाह सुबहान तौ की बातें बताएं कुरान में क्या लिखा हुआ है हदीस में क्या बताया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुराई से रोके अपना पूरा जोर लगा ले जो जो जिस जिस कैपेसिटी में जितनी हिम्मत रखता है वो मुनकर को दूर करने की कोशिश करे लेकिन एक वो ग्रुप जो अपने आप को इन्वेस्ट करता है जो दीन के बारे में जानता है जो कुरान के बारे में जानता है जब वो बात करते हैं तो उनकी बात में वज़न होता है ज़ोर होता है लेकिन एक बंदा जो ये कहता है मैंने इधर से सुना था मैंने वो बाजी को सुना वो बाबा जी को सुना ये प्रोग्राम देखा वो क्लिप देखा वो टिकटॉक देखा उसकी बात में वज़न नहीं होता इस काम के करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी जान की अपने माल की अपने वक्त की इन्वेस्टमेंट ताकि हमें हम वो ग्रुप कायम रहें बनते रहें काम करते रहें जो ख़ैर की तरफ बुलाने वाले नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले हों और अल्लाह सुबहान ने कहा कि मौलायक उमुलफलि और यही लोग फलाह पाने वाले होंगे यानी जो ये काम करते रहेंगे वही फ़लाह पाएंगे और फलाह वो कामयाबी होती है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता जो कोई छीन नहीं सकता और जन्नत फलाह है हमारे लिए जन्नत हमारे लिए कामयाबी की चीज़ है और अल्लाह सुबहान तआला दुनिया में भी इज़्ज़त देता है रोब देता है जब आप दीन के आ, आ, संभालने वाले हो हामिल अल कुरान हो तो अल्लाह सुबहान तोब देता है आपकी बात में वज़न देता है आपकी पर्सनैलिटी को सॉलिड बना देता है आपकी बात में वज़न होता है लोग उसको सुनते हैं उसको समझते हैं और उसको मानते हैं तो अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले अपने दीन की सुरखुरुई के लिए इस्तेमाल कर ले या अल्लाह हमें तब्दील ना करना हमें इस्तेमाल करना क्योंकि जब कोई अल्लाह के दीन के लिए काम नहीं करता तो अल्लाह सुबहान को उनकी कोई परवाह नहीं अल्लाह ताला उनको हटा लेता है और ऐसी कौम ले आता है जो अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें अल्लाह से मोहब्बत कर हम तो आप ही से मोहब्बत करते हैं अल्लाह सुबहान तै हमारे दिलों को जगा दे हमें हमारी प्रायोरिटी को सेट कर दें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में तरजीहात कौन सी होनी चाहिए हमको किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए मेरी प्यारी बहनों हमको ये नहीं मालूम कि हमारी मौत का वक्त कौन सा है ये कुछ नहीं पता कि अचानक अभी मैं आपसे बात करी और अभी मेरी मौत का वक्त आ जाए मुझे नहीं पता किसी को नहीं पता अपनी मौत का वक्त लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर लें और दिल में तमन्ना रखने से भी तमन्ना रखने से भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है कि अल्लाह इस्तेमाल कर हमको हमारी ज़ुबानें जो नाउद बिल्ला नाउद बिल्ला ताने देने के लिए लोगों से बातें करने के लिए किब्तें करने के लिए हर वक्त तैयार बैठी होती हैं अल्लाह उन सब कामों को हमसे छुड़ा दे और हमारे लिए हमारी ज़ुबानों को हमारे दिलों को हमारे दिमागों को क़ुरआन की तरवीज के लिए इस्तेमाल कर कुरान फैलाने के लिए इस्तेमाल कर दीन की सुरखुरुई के लिए इस्तेमाल कर लाला सुबहान तआला हमें तौफीक दे दे जैसी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह सुबहान तआला वैसी दुआ सुनता है मानता है अल्लाह व तआला कभी रद्द नहीं करता हाँ सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ सच्चे दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपनी पसंद का बना दे मुझे ऐसा बना दे जिससे तू राज़ी हो जाए और मुझे इस दुनिया में से ले कर ना जाना मगर इस हालत में कि मैं मुसलमान हूँ मैं तेरा फर्मा बरदार हूँ मैं इस्लाम की पासदारी करने वाला हूँ अल्लाह सुबहान हमें कलमा शहादा नसीब करे हमें शहादत की मौत नसीब करे अल्लाह मरसुखन शहादत अनफ़ी सबलक वजलमाऊती फ़ीबाद रसूल कामीन और अम्लफ बैन क्लूबी वसली बीन वाहिन सब्लम अल्लाह तै मुसलमानों की सफ़ों में इतहाद पैदा कर दे अल्लाह सुबहान तैाली हमें हमारा रोब वापस कर दे हमारे दुश्मनों के दिलों में हमारा रोब डाल दे और अल्लाह सुबहान तेलमों से निजात दिलाए और अल्लाह ताली हमें फित हमें फितने में न डाले उनके ज़रिए से आमीन 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 बारकल्ला फ़ीकुम सुबहद नशदलतफ़ी का वर्क